जनपद के रामपुर दौराहा काशीपुर रोड पर स्थित संगी सोम सेना के जिला कार्यालय पर मुरादाबाद जिलाध्यक्ष रंजीत चौहान की अध्यक्षता में संगी सोम सेना की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में संगी सोम सेना के जिलाध्यक्ष रंजीत चौहान द्वारा बिलारी निवासी मनोज कश्यप को जिला उपाध्यक्ष और पवन कुमार को तहसील अध्यक्ष बिलारी नियुक्त किया गया। मनोज कश्यप और पवन कुमार को जिम्मेदारी मिलने पर जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए नव निर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव मिशन 2024 को लेकर भाजपा के हित में मतदान करने की अपील की गई। जिला अध्यक्ष रंजीत चौहान ने बताया कि संगी सोम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक संगी सोम और प्रदेश अध्यक्ष सचिन खटीक के निर्देश पर संगठन कार्य करता है। पूरे राष्ट्र में हमारा संगठन भरपूर कार्य कर रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में हमारा संगठन मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेगा। संगी सोम सेना भाजपा हितैषी संगठन है। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष मनोज कश्यप, बिलारी ब्लॉक अध्यक्ष पवन कुमार, लल्लू सिंह राजीव, नरेश, उमाशंकर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, संगीत सिंह सोम सेना परिवार से संगठन में जिला उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है बड़े भैया रंजीत चौहान जी के माध्यम से। तो क्या तैयारी है आपके लोकसभा चुनाव की? लोकसभा चुनाव की तैयारी यही है कि हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, गांव-गांव जाकर कुछ लोगों की समस्याओं का समाधान भी करवाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। बारे में जानकारी जी, संगीत सोम सेना के परिवार की तरफ से बिलारी तहसील अध्यक्ष चुना गया मुझे, और हमारा यही है कि मतलब कि गांव-गांव जाकर मतलब संगीत सोम सेना जी के संगठन को मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए जितने भी अपने सपोर्टर उनको मजबूत करेंगे, वो लोग आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए।